नाजरीन आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में रवासाल 22,000 के करीब ट्रैफिक हादसात रोनमा हुए, जिसमें 250 से ज़ायद शहरी जान से हाथ धो बैठे। रेस्क्यू 1122 ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से तलकीन की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जाहिद नज़ीर से। जी राना जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ हम इमरजेंसी ऑफिसर से बात करेंगे और उनसे तफसीलात जानेंगे कि फैसलाबाद में रवासाल हादसात की तफसीलात क्या हैं, ओवरऑल इमरजेंसी की कितनी सूरत हाल जो है उनसे निपटना पड़ा रेस्क्यू 1122 को, और इसके अलावा फैसलाबाद में जो हादसा रोनुमा हुए हैं उसमें कितने शहरी जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। हमारे साथ इमरजेंसी ऑफिसर है गुलाम शबीर, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टोटल हादसा जिस पर रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है वो कितने हैं और उसमें उसकी क्या मुकम्मल तफसीलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने रवा साल में अब तक जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 74,000 मुख्तलिफ़ किस्म की एमरजेंसीज़ पर रिस्पॉन्ड किया है और तकरीबन 78,000 जो है मुख्तलिफ़ विक्टम्स मुख्तलिफ़ एमरजेंसीज़ के उनको फ़र्स्ट एड देते हुए उनको रेस्क्यू किया है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर इस डिटेल में हम जाएं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 22,000 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने डील किए हैं और इसमें 257 अफराद जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौका पे जहाँ भाग हो गए हैं। अच्छा सर, मुझे इसमें यह तफसीलात बताइएगा कि फैसलाबाद में फायर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा रवा साल हमें देखने में आए, क्या वजूहत है कि वहाँ पर हमारा रिस्पांस टाइम कितना रहा रेस्क्यू 1122 का और इसके अलावा आग को कितनी देर में काबू पा लिया गया, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिस्पांस टाइम एमरजेंसीज के अंदर मेंटेन रखा हुआ है। हमारा 7 मिनट का एवरेज रिस्पांस टाइम मेंटेन्ड है, 7 मिनट के अंदर हम रिस्पांस कर जाते हैं मुख्तलिफ एमरजेंसीज के ऊपर। तो जितने फायर केस के हवाले से अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो रवा साल के दौरान तकरीबन 1300 फायर केस जो है अभी तक हम डील कर चुके हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये मैं आपके हवाले से ये बताना चाहूँगा कि फायर केसेस के अंदर मोस्टली आवाम के लिए, लोगों के लिए मैसेज एक मैं देना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजाज हैं, ये मतलब करोड़ों के अरबों की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन फायर हाइड्रेंट्स वहाँ पे नहीं बनाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, फायर हाइड्रेंट्स बनाए जाएँ, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए, जो इमरजेंसी एग्जिट हैं वो रखे जाएँ ताकि हमें लोग अगर वहाँ पर फंसे हुए हैं तो रेस्क्यू करने में मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम दरपेश ना आए। इसके अलावा फायर फाइटिंग जो है वो हम टाइमली वहाँ पर हम कर सकें, ये हम आवाम से इल्तमास करना चाहते हैं ताकि मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि ट्रैफिक हादसात में 250 के करीब जो है वो आवाम जान की बाजी हार गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? शहरियों को अभी भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, एजुकेट है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहा शहरी? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, एजुकेशन तो होनी चाहिए, एजुकेशन मैटर करती है, डेफिनेट लोगों को मज़ीद एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो ट्रैफिक कवानीन बने हुए हैं लोग स्ट्रिक्टली उनके ऊपर अमल दरामद करें। और जहाँ तक रेस्क्यू 1122 का ताल्लुक है तो हम तो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम जो भी सेफ्टी के रिगार्डिंग, फायर के रिगार्डिंग, इमरजेंसी सर्विस में, मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी हम मतलब ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हम जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है लोगों को एजुकेट करने में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग इसको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक लोगों को मतलब कंटिन्यूसली इसको ब्रीफिंग देनी चाहिए, एजुकेट करते रहना चाहिए ताकि हादसात की जो वजूहात हैं और इनकी जो तादाद है हादसात की उसको हम कम कर सकें। जी बिल्कुल, आपने इमरजेंसी ऑफिसर गुलाम शबीर की मुकम्मल तफसीलन बात सुनी, इनकी जानिब से मुकम्मल तफसीलन आगाह किया गया कि रवा साल फैसलाबाद में 22,000 के करीब जो है वो ट्रैफिक हादसा रोनमा हुए और उनमें 250 के करीब जो है वो शहरी जान की बाजी हार चुके हैं और इसकी मेन वजूहत जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करना है और उनकी जानिब से शहरियों से ये अपील की गई है कि वह ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि इस तरह के वाकयात जो है वो रोनमा ना हो सके। जी।